हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में 18 और 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे यह सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड तक बने रहिएगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने एक बिल को अप्रूवल दिया जो कि है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 राइट हम अनफेयर मींस देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना स्पेसिफिकली जैसे आपके एसएससी हो गए राइट आई आर इसी के साथ साथ जैसे आपका आर का एग्ज़ाम होता है ठीक है फिर एन जो आपकी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं आई करेक्ट बैंकिंग के इनमें ना हमने देखा कि काफ़ी अनफेयर मीन्स होता है लोगों के द्वारा एंड ईवन लोग पैसे दे के यहाँ पर अपने जो फ्रेंड्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर कराते हैं तो इससे क्या होता है जो बच्चे हार्ड वर्क कर रहे होते हैं जो बच्चे दिन के दस दस बारह बारह चौदह चौदह घंटे पढ़ रहे होते हैं एंड पिछले एक दो साल से वो लगातार मेहनत करे जा रहे हैं उनका तो नंबर आता नहीं है बट जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका एग्ज़ाम आ जाता है इससे क्या होता है वो आंसर क्वेश्चन पेपर लीक करा देते हैं राइट कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं करेक्ट फेक एग्जामिनेशनस हो जाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमोरल डाउन होता है एंड जो हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत आती है तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने इस बिल को पास किया एंड बोला कि ये बिल अभी पास कर दिया गया है एंड इसके अंडर पेनल्टीज लाई गई हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे चीटिंग करता हुआ मिलता है करेक्ट कोई भी फॉल्स माल प्रैक्टिस यूज़ करता हुआ दिखता है तो वहां उसको इंप्रेसमेंट पे होगी मतलब उनको जेल किया जाएगा तीन से दस साल तक एंड दस लाख रुपए से लेके एक करोड़ रुपए तक का यहाँ पे उन उनपे फाइन लगाया जाएगा ठीक है चलिए इवन जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको भी यहां पे बोला गया कि अगर उनके एग्जाम सेंटर्स में पता लगता है विदाउट कोई परमिशन कोई भी अथॉरिटी यहां पे कुछ करा रही है या फिर किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर फोर एंड जो कॉस्ट होगी विल ऑल्सो बी रिकवर्ड सच एज अ सर्विस प्रोवाइडर करेक्ट जो कॉस्ट होगी एग्जामिनेशन की वो भी वहां पे सर्विस प्रोवाइडर से वापस रिकवर की जाएगी इससे काफी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जहां तक जो लोग माल uh, प्रैक्टिस का यूज करते थे राइट right, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा चलिए काफी अच्छी न्यूज आई तो। है तो नेक्स्ट आ जाते हैं ए एच आई डी एफ स्कीम ये लॉन्च की गई किन के द्वारा ए एच आई डी एफ क्या है ए एच आई डी एफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम राइट देखो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसका मतलब क्या हुआ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो हमारे डेरी के प्रोडक्ट्स होते हैं राइट उससे रिलेटेड हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है मतलब कि हम उन प्रोडक्ट्स को बना सकें उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करेंगे तो जो हमारी ऑडियंस है जो हमारे लोग इन डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं उनकी डिमांड को जो डिमांड आएगी उसको हम पूरा कर पाएंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो सप्लाई कहां से आएगा राइट डिमांड तो होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगा इसीलिए ये एच स्कीम लॉन्च की गई पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसको रिफॉर्बिश स्कीम को लॉन्च किया गया ऑफिशियली अगर इस स्कीम की बात करें ए तो ये जून 2020 में लॉन्च की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा विद इन इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ 15,000 करोड़ रूपीज अभी इस स्कीम को वापस से लॉन्च किया गया है एक बेटर वर्जन ऑफ द स्कीम लॉन्च किया गया एंड इस स्कीम के लिए एक रेडियो जिंगल भी लॉन्च किया गया ऑन ए करेक्ट आई रिपीट

ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली इन एम एस एम ईज इन इनबैंड एनिमल हस्बेंड्रीज को राइट इन डिपार्टमेंट्स को, right? को यहाँ ग्रो करने की बात की गई मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड फॉर न्यू एज इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड लॉन्च किया गया ये बेसिकली उन लोगों को ऑनर करने के लिए जिन्होंने मॉस्ट पॉपुलेशन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया राइट अपने कॉन्टेंट से अवार्ड विल रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी एंड ट्वेंटी कैटेगरीज इन डाइवर्स सेक्टर सच एज एजुकेशन सोशल चेंज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गेमिंग एंड मच मोर चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट है इंडिया ने साइन किया भी एक एमओ किस कंट्री के साथ ऑन शेयरिंग इंडियाज ओपन स्टैक डीपीआई डी पी आई क्या है डिजिटल डी पी आई आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब ओपन इंडिया का ओपन स्टैक क्या था आधार कार्ड हो गया जैसे डिजी लॉकर हो गया जैसे इंडिया का यूपीआई हो गया तो इससे क्या है इंडिया ने जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको कैटर किया है अच्छे से राइट तो सिमिलरली कौन सी वो कंट्री है जिन्होंने इंडिया के साथ एक एम ओ यू साइन किया जो कि इंडिया के ओपन स्टैक को शेयर करेगा ताकि सिमिलरली जैसे इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को इस टेक्नोलॉजी के साथ कैटर किया है वैसे ही वो भी अपनी कंट्री में अपनी पॉपुलेशन को कैटर कर सके वो है कोलंबिया राइट मार्क करेंगे नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया यदि आपने देखा इंडिया एंड कोलंबिया इन्होंने सोर्स डीपीआई नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किन्होंने अभी चेयर किया सिक्सटी सेकेंड सेशन ऑफ द कमीशन डेलपमेंट तो किन के द्वारा चेयर किया गया सोशल डेवलपमेंट यह रुचिरा कंबोज रुचिरा कम्बोज कौन है रुचिरा कंबोज इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यू एन इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यू एन रुचिरा कंबोज इनके द्वारा चेयर किया गया सिक्सटी सेकेंड सेशन ऑफ़ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं एंड एक चीज और याद रखेंगे इंडिया ही के द्वारा ये जो सेशन चेयर किया गया था ना इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नाइनटीन सेवेंटी फाइव इंडिया की तरफ से किन्होंने इसको चेयर किया रुचिरा कम्बोज ने कंट्री का नाम आ जाए तो हमारे इंडिया ने ये था सिक्सटी सेकेंड सेशन अगर पूछा जाए सिक्सटी थर्ड सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट कौन 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 सी कंट्री चेयर करेगी तो पोलैंड चेयर करेगी इसको दो हज़ार पच्चीस में ठीक है इंपॉर्टेंट है मार्क करके चलेंगे इसी के दौरान इंडिया ने चार चीज़ों को यहाँ पर अपनाया पहला था रेजोल्यूशन ऑन प्रोमोटिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर सोशल डेवलपमेंट दूसरा है रेजोल्यूशन ऑन सोशल डायमेंशन ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट तीसरा रेजोल्यूशन ऑन द प्रायरटी थीम ऑफ सिक्सटी थर्ड सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड रेजोल्यूशन ऑन द प्रायरिटी थीम ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट तो ये चार चीज रेजोल्यूशन को यहाँ पे अपनाया गया इंडिया के द्वारा नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस के तो अभी एल के द्वारा एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है यह इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेसिकली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है फॉर चिल्ड्रन इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम रहेगा एल आई सी अमृत बाल प्लान एट सेवन फोर आई रिपीट एल आई सी अमृत बाल प्लान एट सेवन फोर ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहेगा एंड द प्लान इज डिज़ाइन टू मीट द हायर एजुकेशन एंड अदर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द चाइल्ड ठीक है ये आप 30 दिन के बच्चे से लेके 13 साल तक के बच्चे के लिए आप ये स्कीम ले सकते हैं राइट एंड मेचोरिटी एज रहेगी इसकी 18 से 25 साल एंड एक चीज और जो यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे ना दीज प्रीमियम्स आर पे आर एग्जेप्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स अंडर ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी की मैं बात करूँ तो इंटर्म चेयरमैन कौन रहेंगे सिद्धार्थ मोहाटी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 1956 में इसको इस्टेब्लिश करा गया तो एल आई सी अमृत बाल एट सेवन फोर ये एक इंश्योरेंस प्लान है किन के लिए बच्चों के लिए जो कि एल के द्वारा लॉन्च किया गया था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस अभी सीआईएल एंड बीपीसीएल सीआईएल क्या है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इन्होंने अभी एक एमओ साइन किया भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एंड जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप सभी को याद रखनी है वो क्या है कि ये वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रहेगा एंड अ फ्यूलिंग स्टेशन विद इन एन एयरपोर्ट सेटिंग आई रिपीट वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एंड अ फ्यूलिंग स्टेशन जो कि एक एयरपोर्ट के अंदर रहेगा कौन सा एयरपोर्ट रहेगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि कहां पर है ये आपका केरला में है ठीक है मार्क करेंगे इसको नेक्स्ट आ जाते हैं और वन मोर एक और चीज अंडर दिस एमओयू हजार किलो वॉट का यह पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा एट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बीपीसीएल की बात करें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे जी कृष्ण कुमार ऑन हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र नेक्स्ट पे आते हैं इंपॉर्टेंट इसको मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया फाइव लिस्ट विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इंडिया फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ठीक है इन्होंने थर्ड कॉन्जिक्यूटिव के लिए यहां पे टॉप किया है राइट एंड ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी निकल के आई है फॉर द थर्ड था टाइम इनकी अगर वैल्यू देखें फिफ्टीन लैक्स सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्स सिक्सटी थ्री करोड़ रुपीस की ये वैल्यूएशन रहेगी नेक्स्ट पे आर के बाद आ जाता है टी थर्ड पे एच बैंक राइट नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2023 ट्वेंटी बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया रिलिस्ट फाइव हंड्रेड रिलिस्ट रिलीज बाई एक्सिस बैंक एंड ह्यूरन इंडिया आर ने यहाँ पर टॉप किया है एंड एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर थर्ड ईयर इतनी इसकी वैल्यूएशन रही नेक्स्ट पे आते हैं नेम द पर्सन ऑफ सिख रेजिमेंट जिनको कन्वर्ट किया गया विद विशिष्ट सेवा मेडल फॉर ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट ये ऑक्टोकॉप्टर क्या है ये एक मल्टीपर्पज ड्रोन रहेगा जो आपके डिलीवरीज के लिए राइट right? सर्वेलेंस के लिए करेक्ट इसके के साथ साथ ग्रेनेड्स को डालने के लिए देन एम्युनेशन जैसे ए के फोर्टी सेवन से आप यहाँ पे एनिमीज को शूट कर सकते हैं तो ये एक मल्टीपर्पज ड्रोन है इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया किसके द्वारा हवलदार वीरेंद्र सिंह के द्वारा एंड इसी के लिए इनको यहाँ पे विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करा गया फॉर दिस ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट राइट नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है आप यहाँ पे देख सकते है, हैं ये हैं हवलदार वीरेंद्र सिंह सिख रेजिमेंट के हैं इनको सम्मानित किया गया है विद दिस मेडल जो कि आपका विशेष सेवा मेडल एंड विशेष सेवा मेडल याद रखेंगे 26 जनवरी 1960 को यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया था एंड जो सर्विस में या फिर जिन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा काम करा या फिर डिस्टिंग सर्विस के लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया फॉर दिस विशिष्ट सेवा मेडल फॉर दिस ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट जो कि एक मल्टीपर्पज ड्रोन रहेगा एंड ही वॉज वन ऑफ द हंड्रेड एंड थर्टी रेसिपिटेंट्स जिनको विश्व सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मूमा नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर तो भी जाक्सा के द्वारा जाक्सा क्या है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इनके द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया एच थ्री रॉकेट पूछा जा सकता है किस कंट्री के द्वारा ये एच थ्री रॉकेट लॉन्च किया गया था तो जापान के द्वारा ये एच थ्री रॉकेट लॉन्च किया गया था करेक्ट जाक्सा जब और जाक्सा इनकी स्पेस एजेंसी है इन्होंने इस रॉकेट को लॉन्च किया तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन याद रखेंगे जिसका नाम रहेगा फायलो न्यूएरा रूपेस्ट्रिस आई रिपीट फायलो न्यूमेरा रुपेस्ट्रिस ये नई स्पीशीज है डेम्सफ्लाई की जो कि अभी त्रिवंतपुरम केरला में इसको डिस्कवर करा गया मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व किया गया सत्रह फरवरी को ये सेकेंड डे है या फिर सेकेंड ऑब्जर्वेंस है इस डे का पहली बार सत्रह फरवरी दो में ऑब्जर्व किया गया था एंड जैसे हमने देखा कोविड नाइन्टीन के टाइम पे लॉकडाउन लग गया तो सारी इकोनॉमीज़ बंद हो गई थी एंड जो आपका टूरिज़्म है वो भी बिल्कुल बैठ गया था करेक्ट एंड इवन अगर श्रीलंका का केस लेके चले जिनकी इकोनॉमी हैवीली डिपेंडेंट है टूरिज्म पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी उनकी इकोनॉमी में तो हमारी जो टूरिज्म सेक्टर है वो ऐसे शॉक्स अगर आते हैं कोई इमरजेंसीज की वजह से वो एब्जॉर्ब कर सके इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की जाती है ग्लोबल टूरिज्म अवेयरनेस और ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है करेक्ट और इस बार सेकेंड ये ऑब्जर्व किया गया नेक्स्ट स्टेट न्यूज पर आते हैं तो अभी वन मित्रा जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है वन मतलब फॉरेस्ट मित्रा मतलब फ्रेंड्स तो यहाँ पर प्लांटेशन के ऊपर बात की गई एंड ज्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने की बात की गई इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है ताकि हरियाणा का जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाया जा सके फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर वन मित्रा ने के अंदर ही वन मित्रा क्या है इंडिविजुअल लोग हैं जो अठारह से साठ साल के बीच में हैं वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम वन मित्रा ठीक है चलिए वन मित्रा कहाँ की है हरियाणा की फिर नेक्स्ट स्कीम याद रखेंगे एक यह है स्वयं स्कीम स्वयं क्या है स्वतंत्रता युवा उद्यमी स्कीम इस स्कीम के अंडर इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने की बात की गई टू यूथ ऑफ उड़ीसा ताकि वो अपने बिजनेसिस को ग्रो कर सकें अगर उनके पास बिजनेस नहीं है तो वो अपने इस रुपए को लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकें इस एक लाख रुपए पे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा टू यूथ ऑफ ओडिसा जो कि 18 से 35 साल के बीच में रहेगा करेक्ट स्वयं एक लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की बात गई आ जाते हैं इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका कोर्ट ये रिप्लेस किनको करेंगे ये सक्सीड करेंगे जस्टिस पी एस दिनेश कुमार को जो रिटायर होंगे 24 फरवरी 2024 को एन वी अंजारिया जी राइट ये नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं कर्नाटका कोर्ट के मार्क करके चलेंगे तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन पर प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने एसेंड दिया टू पब्लिक एग्जामिनेशन बिल ऑफ ट्वेंटी यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इन्होंने लॉन्च किया रीअलाइंट ई एच स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड फॉर न्यू एज इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स इंडिया एंड कोलंबिया इन्होंने साइन एक एमओयू ऑन शेयरिंग इंडियाज ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देन रुचिरा कम्बो जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यू इन्होंने चेयर किया सिक्सटी सेकेंड सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट सिक्सटी थर्ड सेशन कौन चेयर करेगा पोलैंड चेयर करेगा 2025 में देन एल ने लॉन्च किया न्यू इंश्योरेंस प्लान जो कि है एल आई सी अमृत बाल प्लान एट सेवेंटी फोर फॉर चिल्ड्रन सी आई ए एल एंड बी पी सी एल इन्होंने साइन किया एक एमओ यू टू सेटअप वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद एयरपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया फाइव हंड्रेड लिस्ट यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप किया एज द मोस्ट वैल्युएबल कंपनी बिलोंग करते हैं और इनको विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया गया फॉर ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट जो कि एक मल्टीपर्पज ड्रोन रहेगा के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया एच थ्री रॉकेट को फाइलोन रूपेस्टेस रुप ये नई स्पीशीज है डैम्स फ्लाई की जो कि केरला में डिस्कवर की गई देन ग्लोबल टूरिज्म अवेयर रेजिलियस डे सत्रह फरवरी को हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया वन मित्रा स्कीम ताकि प्लांटेशन बढ़ सके ग्रीन कवर बढ़ाया जा सके इन हरियाणा ओडिशा के द्वारा स्वयं स्कीम लॉन्च की गई ताकि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सके टू द यूथ ऑफ ओडिशा एक लाख रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की गई अठारह से पैंतीस साल के बीच के लोगों को एंड जस्टिस एन वी अंजारिया जी इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका

अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से असम से होते हुए तिब्बत से होते हुए म्यांमार से होते हुए 650 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट यहां पर क्रैश कर गए थे ड्यूरिंग 1942 से लेकर 1945 के बीच में तो उन जो वहां पे लोगों ने जो फॉलन एयरमैन है उनको ऑनर करने के लिए ये हम्प एयरलिफ्ट म्यूजियम टू लॉन्च किया गया राइट हम्प वर्ल्ड वॉर टू म्यूजियम लॉन्च किया गया एंड ये सेकेंड आपको याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान है और ये सेकेंड ही म्यूजियम रहेगा जो अरुणाचल प्रदेश में है नेक्स्ट द हाई लेवल सेंट्रल कमेटी हेडेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह अप्रूव द रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान ऑफ वन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी एट करोड़ रुपीज़ फॉर डैश डिस्ट्रिक्ट सो जोशीमठ उत्तराखंड में भी लैंड स्लाइड हुई थी ड्यू टू हैवी रेन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वहां पर जोशीमठ उत्तराखंड में रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक हज़ार छः सौ अट्ठावन करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे रिकवरी प्लान लॉन्च किया गया मूविंग ऑन डैश इज सेट टू बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन फॉर एफर्टलेस स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा ये सी टी एक्स मशीन तो ये लॉन्च किया जाएगा आपका किस एयरपोर्ट पर केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कि कहां पर है बैंगलोर कर्नाटका में एंड इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइंड एयरपोर्ट भी बोला जाता है इंडिया का नेक्स्ट क्वार्टर थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मरकम इंडिया रूफ टॉप सोलर रिपोर्ट के हिसाब से मरकम इंडिया रिसर्च के द्वारा रिलीज की गई दिसंबर में जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन हैं इन इंडिया दे रजिस्टर है ग्रोथ ऑफ थर्टी फोर पॉइंट सेवन परसेंट ईयर ऑन ईयर जंप टू डैश मेगावाट तो फोर थर्टी वन मेगावाट का हमें जंप देखने को मिला करेक्ट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सोलर रूफ टॉप की बात करें तो वो कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ सोलर रूफ टॉफ एनर्जी वो है गुजरात फॉलोड बाय महाराष्ट्र ऑन सेकेंड पोजिशन नेक्स्ट इन विच इंडियन सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब वॉज अनवेल्ड इन नवंबर 2023. तो गुरुग्राम हरियाणा में यहाँ पर पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब को अनवेल किया गया दिसंबर और नवंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर प्रोजेक्ट भीष्म भीष्म क्या है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री नेक्स्ट इन दिसंबर डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द दाएस्ट नंबर ऑफ जी आई दैट इज एटीन इन अ सिंगल डे तो पहली स्टेट इन द कंट्री जिसको जी आई टैग मिला और अठारह जी आई टैग मिले एक ही दिन में वो कौन सी स्टेट रहेगी वो है उत्तराखंड टोटल नंबर ऑफ जी आई टैग उत्तराखंड में कितने हो गए हैं सत्ताईस नेक्स्ट नेम द मिनिस्ट्री दैट रिसेंटली रिसलीलाबरेटेड विद इंडियन आर्मी टू इंफ्यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टू द कोर ऑफ द इंडियन आर्मीज ऑपरेशनल फ्रेमवर्क कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टी राइट इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ इंडियन आर्मी के साथ ताकि नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कराया जा सके ताकि जो उनके ऑपरेशन है डे टू डे मैनेजमेंट है उसको और एनस किया जा सके एंड 5G जी लैब्स को यहाँ सेटअप करने की बात की गई नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जिसकी लागत रहेगी कितनी 561.29 करोड़ रुपीस फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट ठीक है नेक्स्ट अभी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश ने अभी एक या फिर ऐसे नहीं इसको ऐसे याद रखो एक साइक्लोन मिचुआंग आया था एंड इससे जो इफेक्ट होगा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु करेक्ट इन स्टेट्स पे यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड इसके लिए भी यहाँ पर पैसा इकट्ठा करा गया ंग नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन फ्रॉम नाइन टू फिफ्टी न्यू डेली तो यह पहला रहेगा नौ से लेके पंद्रह दिसंबर तक रहेगा एट रेडफोर्ट इन न्यू दिल्ली। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा यह पहला इनॉग्रल एडिशन लॉन्च किया गया ऑफ दिस इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बैनल तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा करेक्ट नौ से पंद्रह दिसंबर हुआ कहां पर न्यू डेली में एट रेड फोर्ट एंड इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनोग्रेट करा गया नेक्स्ट डैश एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज कंक्लूडेड रिसेंटली इन नागालैंड तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसी को हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स राइट यह भी कंक्लूड किया गया नागालैंड में पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था इसका तो ट्वेंटी फोर्थ एडिशन था यह हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो कि नागालैंड में हुआ इसी को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट एज ऑफ दिसंबर इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल वॉज बिल्ट एट द साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इन डैश सिटी तो इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल वॉज बिल्ट एट द साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो कहां पर है अहमदाबाद गुजरात सिटी में है ठीक है मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट एज पर द रिपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना रिलीज बाय एस बी आई ई आर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा दिसंबर 2023 में रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो वीमेन वोटर्स है ना इंडिया में वो सरपास कर देंगे मेन वोटर्स को बाय डैश जनरल इलेक्शन तो बाय दो के जो जनरल इलेक्शन होंगे तब तक वीमेन वोटर्स सरपास कर देंगे मेन वोटर्स को यहीं पे याद रखेंगे दो में एक्सपेक्टेड है कि 73 थ्री करोड़ जो वोटर्स होंगे जिसमें से 37 करोड़ आपकी वीमेन वोटर काउंट होगी एंड 36 करोड़ आपकी मेन वोटर्स काउंट होगी नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आई ई ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टाइटल कोल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एनाज एंड फॉरकास्ट टू ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ये रिलीज किया गया दिसंबर दो हज़ार तेईस में इंडिया कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई डैश एनुअली टू वन थ्री नाइन सेवन मिलियन टन स्टिल दो हज़ार छब्बीस हर साल जो एक्सपेक्टेड है इंडिया कोल की जो डिमांड वो राइज करेगी बाई थ्री पॉइंट फाइव परसेंट एनुअली टू वन थ्री नाइन सेवन मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय दो हजार छब्बीस अगर मैं ग्लोबली बात करूं जो ग्लोबली कोल की डिमांड है वो कितनी रहेगी वो 1.4 परसेंट से ग्रो करी है दो हजार एक्सपेक्टेड है कि इतनी ये फ्यूचर में भी ग्रो करेगी नेक्स्ट विच कंपनी हैज रिसेंटली साइन 5,336.25 करोड रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कर रही है इन्होंने 5,336 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट लाया है जिससे ये प्रोक्योर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को राइट right? एंड ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस इंडियन आर्मी के लिए कौन बनाएगा वो बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर बनाएगी इनकी एक पुणे में फैसिलिटी है और एक अभी नागपुर में भी ये फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को बनाएंगी फॉर इंडियन आर्मी नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया टू लॉन्च कस्टमाइज कवर तो उस कौन रहेगी कंपनी वो है रियो टिंटो ये एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल मेटल एंड माइनिंग कंपनी है इन्होंने कस्टमाइज किया माई स्टैंप एंड एक स्पेशल कवर जिसको बोला गया रियो टिंटो वन को इन कोलेब्रेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये जो स्टैंप है यह कॉमरेट करती है हंड्रेड एंड फिफ्टी

राइट right? ये किरण रिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया फिर आ जाता है जो एक्सपेडिशन है इट इज फैसिलिटेड इन द डैश मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस थ्रू एनसीपीओ गोवा तो ये जो एक्सपेडिशन है ये किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेरिक रिसर्च स्कीम जो कि अंडर द एजेस ऑफ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गोवा में रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है एज पर द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है दिसंबर में डाटा रिलीज किया गया जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगी ग्रेजुएट्स के लिए अंडर द एज ऑफ फिफ्टीन एंड अबव डिक्लाइंड टू डैश इन जुलाई से जून दो तक तो जुलाई 2022 तो से जुलाई 2023 के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाँच पंद्रह से अबव साल के लोगों के लिए फॉर द ग्रेजुएट एज अब इट बिन डिक्लाइन टू थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट अगर हम स्टेट वाइज डाटा देखें तो हमें देखने को मिलता है चंडीगढ़ में फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट की अनएम्प्लॉयमेंट है डेहली में फाइव पॉइंट सेवन ये तो गई यूटी की बात अगर हम बात करें हाइएस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडिया में हमें अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलती है थर्टी थ्री परसेंट फॉलोड बाई लद्दाख एट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट फिर अगर लार्जस्ट स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान में हमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन परसेंट नेक्स्ट इन दिसंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी लॉन्च द नेशनल जियो साइंस डाटा डैश पोर्टल तो यहां पे एनजीडीआर पोर्टल की फुल फॉर्म पूछी गई है बेसिकली तो एनजीडीआर पोर्टल क्या है नेशनल जियो साइंस डाटा रेपोजिट्री करेक्ट ये एक पोर्टल है ये लॉन्च किया गया एंड एक रोड शो लॉन्च किया गया ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन न्यू डेली

फाउंडेशन डे ऑफ द डैश इंस्टीट्यूट तो पहला फाउंडेशन डे था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि गोवा में है इसका इनग्रेट कब किया गया था इसको 11 दिसंबर 2022 में इनोग्रेट किया गया था और 2023 में इसका पहला फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सरबंदना सोनोवाल नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन पहला काना टाइगर रिजर्व यह भी न्यूज में था किस स्टेट में लोकेटेड है सेकेंड वेयर वॉज दिक्सटींथ वर्ल्ड सोशल फोरम ट्वेंटी मीटिंग हेल्ड तीसरा मुख्यमंत्री कन्या सुमगला योजना जो भी न्यूज में थी ये इनिशिएटिव है ऑफ स्टेट चौथा रिसेंटली विच बैंक हैज द टाइटल ऑफ द द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ ईयर अवार्ड एंड पांचवा रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन इन द मिडल ईस्ट तो ये पांच आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.